बाकी बात केने ट्राई किए हैं, किताबें लिए है ना, लीजिएगा लीजिएगा बाबू, आप लोग टॉपर किए हैं, मैथ में 100 लाए हैं, 450 नंबर आया, हम 352 वाला काहेल बोले जाएंगे ज्यादा न, कहाँ तुम लोग हमसे 100 नंबर ज्यादा न, हमार खाली मैथे में 100 था, तुम लोग को विज्ञान वो 100 होगा, संस्कृत वो 100 होगा न, संस्कृत में 100 होगा, और तुम लोग इतना ब्रिलियंट कि संस्कृत का भी ट्यूशन किया होगा, हम लोग भाई संस्कृत का नहीं किए थे, हमारे स्कूल का चेंगा कोई सब्जेक्ट करे चाहे नहीं करे संस्कृत के दिन भर में 2 बार ट्यूशन करता है, इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, मैथ से कोई मतलब नहीं, लेकिन संस्कृत जैसे छुट्टी होगा संस्कृत के ट्यूशन दौड़ल जाता है, और हिंदी के ट्यूशन करता है, मैथ विज्ञान का नहीं करता, हिंदी और संस्कृत का ट्यूशन करता, उन लोग साथ हम पारेंगे बता, निकले किताब लो जब मन करे भाई, हमको बोलने काम है हम बोल दे रहे हैं, आप लोग का भी दिमाग है, साइंस वैसे थोड़ी नहीं है, और डेली डेली हमरे बतिया थोड़ी सुनेगा ना, हम तो सोच रहे तुम लोग सुन रहा है, एक दिन सोच रहा है कि जहिया मुंड घस के शुरू हो जाना है, बोल बहुत हो गया सर, है ना, 352 और 452 को धोसा रहे हैं, बहुत हो गया सर, बनते हैं ये सब हम बोलो यार, जो डेमो करे लाओ भाग ना जी साला कह दे को सारा गलत जगह बाज गए तुरंत भैया के बकाल बाहर निकल दो, कहाँ भेज दिली हो, बोले इसमें कहा समझी बारह कितना जन नहीं बनाए, 12 नहीं बनाए, किताब देखिए, किताब देखो जो 12 नहीं बनाए देखते रहो, किताब देखो ऊपर क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और नीचे कोस स्क्वायर अल्फा गुना कोस स्क्वायर बीटा है, देख रहे हो, अलग अलग भागा दो, अलग अलग भागा दो, अलग अलग भागा दो, एगो कोस स्क्वायर अल्फा को भागा दो तो कोस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, कितना बचेगा 1/ कोस स्क्वायर बीटा, और 1/ कोस स्क्वायर बीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर बीटा होता है, दूसरा भाग को भागा दो, दूसरा पार्ट को, सेक स्क्वायर अल्फा होगा कि नहीं आएगा, देखो तो कट जाएगा सेक स्क्वायर बीटा, 1/ कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा होगा, अब 10 में लाना, 10 में तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1+10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1+10 स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ो, ब्रैकेट ब्रैकेट -1 -10 स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, 10 स्क्वायर बीटा -10 स्क्वायर अल्फा बनिए जी, आसान था ना, हाँ अपने से बनाना है, अपने से, किसी पूछ पाछ के नहीं, कोई फायदा नहीं, सुन लो कोई फायदा नहीं, किसी पूछ के बनाते हैं, हिंट दे के बनाते हैं, एकदम नोट कर लो पहले पेज में, कोई फायदा होने वाला नहीं, सुने उस तरह ये सोचने की पावर ही खत्म हो जाता है, जितना रगड़ोगे उतना कॉन्सेप्ट जमा होगा, उतना आप सीखोगे, और वो गलती आपसे हमेशा के लिए निकल जाएगा दिमाग में, आप बनाते हो गलत बनेगा, क्या प्रॉब्लम है यार, क्या दिक्कत है, पूछो यहाँ, आप गलत बनाओगे तो आपको वो गलती यहाँ पता चल जाएगा, हम लोग यहाँ गलती करते थे, हम यहाँ गलत सोचते थे, और जब वो सही चीज यहाँ सुनोगे तो वो गलती हमेशा के लिए निकल जाएगा और सही चीज बैठ जाएगा, और हिंट ले लोगे तो दिमागवा कुछ काम करे, उस क्वेश्चन में हो सके कि 5 को कॉन्सेप्ट आता, आप पूछ लिए वो 5 कॉन्सेप्ट आप आपका दिमाग में आया नहीं, तो बोलोगे हमसे आदेन होता है, हम आज तक समझ नहीं पाते क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहाँ समझोगे रे, हैं जे बोलते हैं करो, समझा, और घर वाम सोचो कि क्या बोलते, तेरा किन से बना बस, और के कितना आदमी ट्राई किए तेरा, बाकी बात के ने ट्राई किए, किताबें लिए है ना, लीजिएगा लीजिएगा बाबू, आप लोग टॉपर किए हैं, मैथ में 100 लाए हैं, 450 नंबर आया, हम 352 वाला काहेल बोले जाएंगे ज्यादा न, कहाँ तुम लोग हमसे 100 नंबर ज्यादा न, हमार खाली मैथे में 100 था, तुम लोग को विज्ञान वो 100 होगा, संस्कृत वो 100 होगा न, संस्कृत में 100 होगा, और तुम लोग इतना ब्रिलियंट कि संस्कृत का भी ट्यूशन किया होगा, हम लोग भाई संस्कृत का नहीं किए थे,
हमारे स्कूल का चेंगा कोई सब्जेक्ट करे चाहे नहीं करे, संस्कृत के दिन भर में 2 बार ट्यूशन करता है, इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, मैथ से कोई मतलब नहीं, लेकिन संस्कृत जैसे छुट्टी होगा संस्कृत के ट्यूशन दौड़ल जाता है और हिंदी के ट्यूशन करता है, मैथ विज्ञान का नहीं करता, हिंदी और संस्कृत का ट्यूशन कर। उन लोग साथ हम पारेंगे बता, निकले किताब लो जब मन करे भाई, हमको बोलने काम है हम बोल दे रहे हैं, आप लोग का भी दिमाग है, साइंस वैसे थोड़ी नहीं है और डेली डेली हमरे बतिया थोड़ी सुनेगा ना, हम तो सोच रहे तुम लोग सुन रहा है, एक दिन सोच रहा है कि जहिया मुंड घस के शुरू हो जाना है, बोल बहुत हो गया सर, है ना 352 और 452 को धोसा रहे हैं, बहुत हो गया सर बनते हैं। चलिए देखिए क्या है तेरा, 2 sin theta into क्या है cos theta, यही क्वेश्चन है जी। चलिए जो बनाए थे अपने से बनाए हैं हाँ, और जो बनाए से एक बार खाली ट्राई किए ना, बोले एक बार ट्राई किए ना बन लो तो रख यार ना पार बो ना, अरे ट्राई करने मतलब होता है कभी ऐसे लगाओ कभी वैसे लगाओ कभी इसके ऐसे करो, जैसे तुम ये दोनों को लगा लिया नहीं बना तो कभी देखो ये दोनों को एक साथ करके कभी ये दोनों को एक साथ करके तब नहीं, लेकिन ना कर भी उस तरह थोड़ी कर भी उस तरह मैसेज आ गए लो तो हाय हेलो कहाँ हो सुन रहे हैं मास्टर जी तुम लोगों को बड़ी सुना रहा है फर्स्ट ईयर तुरंत लग जाता होगा नहीं ना, बोल के मैथ कौन मैथ बोल बताते नहीं यार पूछ लो भाई, बोल नहीं बना था सर ट्राई किए थे हाँ सर किए थे ना, कहा जनता वाला नया स्टूडेंट तू सोच रहा कैसे जानू इतना ना, ऊपर में कॉमन लेंगे कितना कॉमन आएगा केवल कोस आएगा कोस थीटा आएगा 2 sin theta - 1 आएगा, बहुत बड़ी नीचे क्या किए थे बहुत बढ़िया 1 और cos स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे, यही तो दिमाग लगाना रे, क्वेश्चनों में जान बुझ के इन्हें उन्हें कर देता, वही चेक करें कि तुरंत सही में फर्स्ट ईयर में है कि एकदम बुर्बक ना, तो ये दोनों के एकरा लिखे जाए चलिए यहाँ दे दल के जान बुझ के यहाँ है ये बुर्बक क्वेश्चन न, ये दोनों के एक जगह कर दिए, उसके बाद क्या किया था बाकी बात जे बच्चा से उतार दिया मस्त काम किया यार, है ना अब बैठ जाओ तुम लोग बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए सभी बैठ जाइए। 1 - cos² नीचे सूझ रहा होगा 1 - cos² साइन स्क्वायर होता है ना, माइनस साइन थीटा और यहाँ कितना है साइन स्क्वायर, क्या सूझा जी सूझ गया। चलिए देखिए इधरे देखते रहते ना तो अच्छा लगता था अनुसुन, साइन स्क्वायर शायद के गो साइन स्क्वायर होगा 2 गो साइन स्क्वायर की साइन का पावर 4 होगा 2 sin² होगा, जब भी जोड़ेंगे ना तो यहाँ 2 और 3 होते जाएगा 2-3 लगते जाएगा और गुना करेंगे ना तो पावर में 2-3 होते जाएगा, पावर गुना करने में पावर बढ़ता है और जोड़ने में उसका पीछे बढ़ते चला जाता है ना, ऐसा नहीं कि पावर 2 + पावर 2 = 4 होता सर ना रे, गुना रहता तब रे, जोड़ में 2 गुना साइन स्क्वायर हो जाए है ना, पानी उनी गिरा तन दिमागवा नाय करता होगा काम है ना, कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर 2 गो साइन स्क्वायर, कितनो पानी गिरा नाय बंद रहते ठीक, और नाय भी तो फिर नाय बोलो कि सर पीछे वाला सर रिवीजन क्लास सर बोल आगे नाय धस रहा है सर है ना, तो यहाँ रखल है देखिए कितना बड़ा रखल देखो जी 2 sin θ - 1 देखी दी दोनों से साइन लगो कॉमन आ रहा है देखा रहे यहाँ कितना बचल है 2 sin बचल है यहाँ कितना बचल है -1 ये दोनों लगो कट गए यार, कोस भागा कितना साइन, अरे कोस भागा साइन कोट हो रे, ये प्रूव करना था प्रूव ऐसे बने, सुने जी जो आज आए हैं एक्सरसाइज पढ़ा रहे ना भाई साहब तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है भाई साहब क्योंकि पीछे वाला कॉन्सेप्ट छूटा हुआ ना भाई सर, तो उसमें मेरा गलती नहीं ना भाई सर, क्या आज से आए हैं कोशिश करो पीछे वाला सब हो जाएगा समझे, हर कोचिंग 10 दिन आगे निकल गया, यहाँ कि आपको मेकअप के लिए 1000 ऑप्शन है मेरे पास, फोन करके पूछो व्हाट्सएप करो यूट्यूब में देखो दोस्त लोग से पूछ लो, टाइप 2 से आपका 11 का स्टार्ट हो गया, अब आपका 11 क्लास के कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू,
टेंथ वाला आलो तेरे तक। गजब कैसी सीना सेट किया 14 नंबर से 11 क्लास नहीं, सबका सब क्वेश्चन खतरनाक है बाबू, और सारा में क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एकदम दिमाग वाला क्वेश्चन। अब आपका यहाँ से दिमाग एकदम काम करना शुरू करे, अब यहाँ से आपके पास कॉन्सेप्ट जमा होना शुरू होगा धीरे धीरे। 13 तक आपके लिए 10वां तक पढ़े, 10वां लेवल का पता भी नहीं चला होगा, कुछ कुछ एहसास भी नहीं हुआ हो, अब एहसास होना शुरू होगा धीरे धीरे, दिमाग खुलना शुरू होगा आप ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ के बाद हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन, हर चैप्टर आपका नया है, प्योर नया, प्योर नया, कभी भी कहीं भी सुना हुआ नहीं। सोच लो आप एक दिन भी क्लास छोड़ोगे तो क्या नुकसान होने वाला, समझे जी। इसलिए पानी गिरे कुछ गिरे क्लास बंद नहीं रहेगा, छाता उता खरीद लीजिए अपना सुविधा के अनुसार, और आना है तो आना है। चलिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, रूट टू कोस थीटा, ये दिया हुआ है बाबू, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन गौर से पढ़ो, ये दिया हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ प्रूफ दैट करके लिखा हुआ है, नीचे प्रूफ दैट करके लिखा है कि प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा यही है, प्लस माइनस रूट टू साइन थीटा यही है कि नहीं, ये लाइन वहां प्रूफ कर। सुने भाई साहब, ये इतना डबल है क्वेश्चन नंबर 14 में, इतना डबल है, ये दे दल का कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर इतना हो, तब बताओ इतना बराबर इतना हो तो प्रूफ करके बता। एकदम 10वां खाई दबा बनावे तो 9 महीना भी हो जाए तो ना बनता, 9 महीना में दूसर पार्टनर ना बनता, तो से दिक्कत था। देखिए कैसे बनेगा, अब इन्हें काना खोल के सुनो, बकवास बात दिमाग में मत रखो, पढ़ाइया वाला रखो, वो ऐसे बोलते हैं यार हंसी मजाक। कैसे ये बनेगा क्वेश्चन से सुनिए, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ इतना बराबर इतना, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, सुन रहे बात को, और आपको प्रूफ करके लाना है इतना बराबर इतना, ये प्रूफ करके लाना है, ये प्रूफ करके लाना है। गजब खतरनाक क्वेश्चन, सुने जी, आपको x प्लस वाई मान लो 5 दिया हुआ, आपको कह रहा है कि x माइनस वाई 6 होगा, प्रूफ करके दिखाओ, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ आपसे पूछ रहा है कि x माइनस वाई बराबर 6 होगा, प्रूफ करके दिखाओ। सेम इसी तरह एक क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा, आपको लाना है x माइनस वाई बराबर 6 लाना है, कितना लाना है 6, हम ये 6 को कुछ मान लिया, ये भी कुछ मान ली, कुछ मान लेंगे, और अब आप इतना बराबर कुछ मान लेंगे तो आपके पास के गो इक्वेशन आ गया, 2 गो इक्वेशन आ गया, वेरिएबल के गो है 2 वेरिएबल, इसलिए इक्वेशन भी हम लोग को क्या चाहिए था, 2 इक्वेशन। तो जब भी दूसरा का इक्वेशन को आपको कुछ लाने के लिए बोलेगा तो उधर कुछ मान लीजिएगा, उससे फायदा क्या होगा कि आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगा, और एक इक्वेशन पहले से आपको दिया रहेगा। सुने जी, टोटल इक्वेशन आपके पास क्या हो गया, 2 गो। अब ये दोनों इक्वेशन को हल करके अगर हम ये का मान 6 ले आएंगे तो क्वेश्चन का हो जाएगा, समझ रहे हो जी बात को, वही दिमाग यहाँ लगा ना। चलिए एकदम शुरुआत, एकदम शुरू से बात समझते चले जाओगे, हर स्टेप आपको समझ में आएगा तो रास्ता आपको अपने आप दिखते चला जाएगा, और हर स्टेप आप लगाते चले जाओगे और आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पहला बात कि कभी भी कोई क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे करके आपसे दूसरा इक्वेशन का मान पूछ रहा है, दूसरा इक्वेशन का मान, तो उस इक्वेशन का राइट हैंड साइड वाला का आप कुछ मान लेना, ये भी कुछ भी मान लेना एक्स वाई जेड, उससे आपका फायदा क्या हो गया, आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगा। अब वो 2 इक्वेशन को दूसरा स्टेप की कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि प्रूफ क्या करना है, समझे जी। दूसरा स्टेप आप समझिए कि कैसे मान ले, ठीक है ये मान लिया राइट हैंड साइड को, बी मान ली, आप दोनों इक्वेशन को करेंगे क्या, कैसे हल करेंगे, सुनिए जी कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व कर, चल उसको भी समझते हैं। चलो सबसे पहले दिया हुआ इक्वेशन को हमेशा आप पहला इक्वेशन मान लो बाबू, मान लिया पहला इक्वेशन, आपको इतना बराबर प्रूव करना था रे, इतना बराबर ये प्रूव करना, हम लोग मान लिए बाबू cos थीटा माइनस साइन थीटा,
बराबर कितना मान लिए x, कितना मान लिए x। अगर ये दोनों को हल करते 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 अगर हम x बराबर अंतिम में ये चीज वाले ले आएंगे, वही क्वेश्चन वहां का हो जाएगा प्रॉब्लम। मतलब आपको दोनों को हल करके वो लाना, समझ रहे जी बात को। एक क्वेश्चन समझो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक दिन में एक भी समझा, दिमाग हल्का हो जाएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलिए तो हम इसको एक समाने, अब आपसे शुरू होता है कि अब ये दोनों को हल आखिर करेंगे कैसे। एक्स तो मान लिए इसका राइट हैंड साइड के, ये लाना है, ये भी समझ गए, अब हल कैसे कर, शुरू कैसे कर। सुनिए जी, देखिए हल कैसे करेंगे। जब भी आप जिस राइट हैंड साइड को कुछ माने हो या जो आपको लाना है उसको थोड़ा सा देखिए कि लाना क्या है। हमको लाना क्या है बाबू, x बराबर प्लस माइनस रूट टू साइन के। एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में आ रहा है, एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। मान लो कि x बराबर कुछ लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ, और उसको हल करना शुरू किया, हल करना शुरू किया, अंतिम में आ गया x बराबर प्लस माइनस में आंसर, x बराबर प्लस माइनस में आंसर आ गया। बताइए इसके ऊपर में क्या लाना पड़ेगा, हमको क्या लाना पड़ेगा कि इसके बाद x बराबर प्लस माइनस में आंसर देगा, बताइए। इधर क्या लाना होगा, इधर क्या लाना होगा, स्क्वायर लाना होगा, वेरी गुड आंसर, इधर स्क्वायर लाना। सुने जी, कभी भी आंसर प्लस माइनस तब देता है जब इधर स्क्वायर रहेगा, उस स्क्वायर को इन्हें भेजेगा, रूट जाएगा, रूट से हमेशा प्लस माइनस निकलता है, तो हमेशा आपको स्क्वायर में पहले लाना होगा। चलिए कुछ तो हिंट मिल गया आपको, कुछ रास्ता मिल गया, दिमाग है रखना जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, एकदम नया कॉन्सेप्ट है। चलिए इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस में लाना है, तो इसका मतलब पहले आपको x स्क्वायर बराबर लाना होगा, पहले आपको क्या करना होगा, x स्क्वायर बराबर लाना होगा। इसका मतलब इधर को आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, इधर क्या करना होगा बाबू, स्क्वायर, समझ रहे बात को। अब ये x से एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन, और अगर एक इक्वेशन का राइट हैंड साइड के तुम स्क्वायर करोगे तो जाहिर सा बात है लेफ्ट हैंड साइड का भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना, लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या करना होगा, समझ लो। देखो रास्ता दिखते जा रहा, दिखते जा रहा, एकदम सही कॉन्सेप्ट रहेगा, एकदम बनेगा भाई, है ना। इसको स्क्वायर करना है, काहे भाई एकर मान प्लस माइनस में लाना है, इसका मतलब आपको x का स्क्वायर करना ही पड़ेगा। सुने जी, तबे x बराबर प्लस माइनस में। अब x अकेले नहीं है एक इक्वेशन में, तेकरा स्क्वायर करे चक्कर में तोरा एक रो करो पड़ता। कोई भी इक्वेशन में अगर लेफ्ट में जो काम किया राइट में भी करना होगा, राइट में जो काम किया वो लेफ्ट में भी करना, वो नियम, समझे जी। दूसरा नियम है कि अगर उसके साथ ही एक इक्वेशन और है तो जो तू पहला इक्वेशन में काम करेगा मजबूरी एक वो काम आपको दूसरा इक्वेशन में भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो कहाँ का बोल रहे से। दसवन है, नया नया चीज सुनो, ओरिजिनल बात सुनो। दो इक्वेशन है, एकरा स्क्वायर करना है राइट में, उसके कारण लेफ्ट में भी करना होगा, और अगर इसके साथ एक इक्वेशन और है तो एकरा स्क्वायर कर भी मजबूरी है ओकरो स्क्वायर करो पर। सुन लीजिए, कभी दसवां पढ़ा है पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को अगर जोड़ते हैं तो एक के स्क्वायर करके जोड़ो और एक के स्क्वायर नहीं करो, करेंगे तो दोनों का स्क्वायर, नहीं करेंगे तो किसी का भी। सुन रहे बात को, ऐसे होता है क्योंकि ये दोनों एक साथ जुटने घटने जा रहा है, तो जे प्रोसेस एक साथ वही प्रोसेस एक साथ, क्लियर जी। तो इसका मतलब आप इसमें स्क्वायर करोगे तो इसमें भी स्क्वायर करना होगा, ये भी कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। इधर करोगे तो इधर भी करना होगा, ये भी कॉन्सेप्ट मिल गया। इसके बाद मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा है। चलिए अगर मान लो ए प्लस बी बराबर सी है, ए प्लस बी बराबर सी है, अब इस इक्वेशन को हमको स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो बताइए इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, बोलिए सही है कि गलत, सही है ना, गलत है, कैसे गलत है ना, इसका मतलब ऐसे लिखाएगा, सही बात, ये वाला सही। कभी भी कोई इक्वेशन को स्क्वायर करोगे ना तो उसका लेफ्ट हैंड साइड में चाहे कितनो बड़ा हो पूरा ब्रैकेट घेर के स्क्वायर करना, अलग अलग स्क्वायर यहाँ नहीं कर रहा है,
इसका मतलब हो गया अलग अलग संख्या का स्क्वायर, और इसका मतलब हुआ पूरा लेफ्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म हो जोड़ या घटा में पूरा ब्रैकेट घेर करके स्क्वायर करना। कभी भी स्क्वायरिंग का मतलब अलग अलग नहीं होता, सुन रहे हो? और इस सब गलती किया ना तो देख लेना, कूट देंगे पकड़ के, है ना? गलती नहीं करना, सुनो और एकदम दिमाग सीखते चलो। तो इसका मतलब अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इधर होल स्क्वायर और इधर जब भी लिखेंगे ब्रैकेट को घेर के लिए, इसके कारण इसको भी स्क्वायर करना होगा। तो इधर होल स्क्वायर और इधर जब करेंगे तो दोनों को ब्रैकेट घेर करके होल स्क्वायर करेंगे। एक बात, अंतिम बात, कभी भी दो इक्वेशन को जोड़ो घटाओ गुना करो भागा करो, लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ, लेफ्ट लेफ्ट वाला के साथ जुटता है, राइट राइट वाला के साथ जुटे या घटे या गुना हुए या भाग। क्लियर जी? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते। देखिए आप बनाते हैं, आपके पास दो इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन और एक दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन को स्क्वायर करना है, दूसरा इक्वेशन को क्या करना है? स्क्वायर। इसका मतलब पहला इक्वेशन को भी क्या करना होगा? स्क्वायर। अब अंतिम बात, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर तो कर दिए, जोड़े कि घटावे कि गुना करे कि भागा दे, मेन बात दोनों इक्वेशन को तो स्क्वायर कर दिए, अब जोड़े कि घटावे कि गुना करे भागा दे। सुने जी, क्या करना हो सोचो आप लोग। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके बीच में क्या लिखे, जोड़ना कर पड़ेगा कि घटाना कि गुना कि भागा करना हो, बता। जब भी दो इक्वेशन प्लस माइनस में रहेगा ना तो हमेशा जोड़ना है। जब भी दो इक्वेशन सेम टर्म में रहेगा, सेम टर्म में, एगो प्लस में और एगो माइनस में, और तुम स्क्वायर करने जा रहे हो दोनों को, तो दोनों को हमेशा क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फायदा क्या होगा जानते? एगो टर्म कट जाए, एगो टर्म कट जाए, प्लस में आ जाएगा प्लस में और माइनस में आ जाएगा माइनस में, जिसके कारण वो दोनों टर्म क्या होगा? कट जाए। कभी भी गुना भागा नहीं करें, कभी भी आपको एक्स का मान निकालना गुना भागा नहीं करेंगे। गुना करेंगे तो माने नहीं निकलेगा, भागा करेंगे तो माने नहीं निकलेगा। जोड़ेंगे घटाएंगे तो एक तरफ एक्स आएगा और एक तरफ आपका टर्म आ जाएगा, जिससे आपका किसका मान निकल जाएगा? एक्स का मान निकल जाएगा। समझे जी? सुनो कितना बात बोल दिए यार, कितना जानते हैं। देखो तो कभी भी इक्वेशन को अगर दो इक्वेशन प्लस और माइनस में रहेगा और दोनों को आप स्क्वायर कर रहे हो, तो प्लस माइनस में रहेगा तो हमेशा दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या लिखेंगे? प्लस। अब जोड़िए, पहला का लेफ्ट का स्क्वायर, दूसरा का लेफ्ट का स्क्वायर बराबर पहला का राइट का स्क्वायर, दूसरा का राइट का स्क्वायर। पहला का लेफ्ट कितना बाबू? कोस थीटा प्लस साइन थीटा। दूसरा का लेफ्ट कोस थीटा माइनस साइन थीटा। पहला का राइट टू इंटू कोस थीटा, दूसरा का राइट कितना है? एक्स। बोलिए कि नहीं, परेशानी का दिक्कत है? अब ऐसा पढ़ाने के बावजूद भी नहीं धसेगा तो सर्वेंट कैसन चाहिए रे? डिसिप्लिन में पढ़ावे है, डिसिप्लिन उसिप्लिन ना तो यहाँ ठीक नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, यहाँ आ जाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देख ली कहलियो ने, एक टर्म कटो है यहाँ, जो रूट दू के स्क्वायर 50 होगा कि नहीं? रूट दू के स्क्वायर कितना होगा? दू कोस स्क्वायर होगा कि नहीं? रूट दू के स्क्वायर दू कोस प्लस कितना? हमारा काय लग रहा है दोनों कट गया, कट गया जी। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर रहे, वन होता है पक्का, वन हो गया। फिर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन, इन्हें आ गया टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना? एक्स स्क्वायर। वन और वन कितना? टू। टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। एकरा एन ले आवे बाबू, एन ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा बाबू, होगा कि ना रे? दोनों से दो कॉमन ले ले, दो कॉमन ले ले रहे, दो कॉमन ले ले रहे, दो कॉमन ले लिए रे, दो कॉमन ले लिए। अरे वन माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर। स्क्वायर को उन्हें भेज दिए, स्क्वायर को उन्हें भेज दिए रे,
रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर कोई नहीं भेज दिया स्क्वायर, हर रूट से जब भी बाहर निकलेगा तो का आएगा, यही लाना था एक्स का मान। हमारा लग रहा क्वेश्चन प्रूव हो गया, इतना सारा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन, जो लड़का क्लास छोड़ा उसको इतना सुनने से उड़ा, इसलिए डेली क्लास आना, पानी गिरे चाहे पत्थर, अब वो फोटो खींच लेगा, इतना बतिया सुन नहीं पाया, इसी के भरोसे रहेगा तो कैसे होगा। उतारिए ये 15, 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है, कुछ दिया हुआ है 15 में, क्या दिया हुआ है, साइन, साइन का पावर 4 प्लस साइन का पावर बराबर कितना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, सुनो भाई सब, अबे नहीं देखो किताब मत देखो, अबे नहीं देखो, 15 में दो क्वेश्चन है, दो को दोनों क्वेश्चन के लिए ई लाइन वा दवल है, ई लाइन वा दवल सुने, उसमें से पहला नंबर बोला कि 1/10 का पावर 4 1/10 का पावर 2 बराबर कितना लाना, 4। अरे क्वेश्चन में आधे पूरा रे, 10 का पावर 4 माइनस 10 का पावर 2 बराबर कितना लाना, 1। ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, हाँ हाँ, चेस्मिस धन्यवाद चेस्मिस, है ना, दिख रहे हैं मसवांट की ना, जूम करके देखन, चलो ये लाना, ये डबल है। अब फिर नया बात सुनो रे, फर्स्ट ईयर सुनो, पीछे नया बात, गजर गजर नहीं करो, कभी भी कोई क्वेश्चन में कुछ डबल रहता है, कुछ डबल, कुछ भी डबल रहेगा समझे, तो उसके लिए दो शब्द प्रयोग करेगा, गिवेन या इफ, इफ इतना बराबर इतना देन प्रूव दैट, या निकल रहेगा गिवेन इतना बराबर इतना देन प्रूव दैट, कभी भी इफ लेकर के कुछ डबल रहेगा, गिवेन लिखकर के कुछ डबल रहेगा, ओकरा प्रूव नहीं किया जाता रे फर्स्ट ईयर, उसको प्रूव नहीं किया जाता, वो तो तुमको दे दिया गया, सुने जी, उसका मदद लिया जाता है, कभी भी कोई क्वेश्चन में गिवेन और इफ करके जो डबल रहेगा ना, उसको मदद लेना है प्रूव करने में, जिसको प्रूव करे बोलेगा ओकर में, उसका मदद लेना, हेल्प लेना है, और उसके बिना हेल्प के वो क्वेश्चन प्रूव भी होने वाला नहीं, सुन लिए जी बात क्लियर, एकर मतलब ये लाइन वा डबल है और आपको इतना बराबर 1 लाना है, इतना बराबर 1 लाना है, तो ये लाइन वा का कहीं ना कहीं प्रयोग करना होगा, तू सोच भी डबल है वैसे मार मार जार ली जार ली ना बनता, काट ली दिन भर रतिया काट ली, सुबह दूसर का पटनरवा लग गल, दोपहर वन दोनों लग गल ही मारा पिटी कर ली, बनबे न करता, अरे सरवा एकरा कहीं मदद लभी तब ने बनता रे, अब एकरा बोल कहां मदद लभी सर, सुरवे में वही तो सीखे को कहां मदद ले, यही चीज वा यहां सीखना, वही चीज वा यहां सीखना, कि जब मन तब लगा दे भैया, ओकरो तरीका है, एकदम सुटेबल उदाहरण देते ना, टेंशन ना लगा अंदरे अंदरे पूरा बा गड़गड़ा दिया यार, सब सर्वे ना अंदरे अंदरे गागा देता, ऊपर से कर ले रहता है जैसे कितना गलत बात बोले, पर ये सर्वे हमर से घटिया घटिया बात जानता रे, हम खाली बोल दे रहे रे, और तोरिन रे जे कर के आता वो बोले लायक भी ना रे, बड़ी बहन सर है, हाँ तोरिन तो एकदम बेशरम हो गया, शरम के हद पार कर दिया रे सर बे, देखो अब ऐसा नहीं बोलने के बाद किसी जोश उस हो जाता है ना, देखिए जी, तो इतना बराबर 1 लाना है, तो सारा बात जो डबल रहेगा उसका प्रयोग करना होगा, उसका मदद लेना होगा, सुने जब तक मदद नहीं लेगा नहीं प्रूव होगा, सुने जी, तो इसका मदद लेंगे, अब मदद लेने में इतना बराबर कहीं 1 बैठाएंगे या इधर उधर करके, मतलब ये लाइनवा से या तो हु बहु बैठा देंगे कहीं, या तो इधर उधर करके इसी से कुछ रिजल्ट निकाल करके बैठाएंगे, लेकिन उसका मदद लेंगे, सुने जी बात समझ रहे हो, कि उसका बिना मदद के क्वेश्चन बनने वाला नहीं, क्लियर बात, अब आइए बनाना शुरू कर, इतना बराबर कितना लाना है 1, चलिए इतना बराबर उतार दिया 1 लाते हैं, आपका रिजल्ट दिया हुआ है साइन में, तो इसको बदल लेते हैं साइन में, तो
टेन का पावर चार को क्या लिखेंगे? साइन का पावर चार बटा कोस का पावर चार। अरे लिखेंगे कि नहीं रे? अरे हाँ या ना बोलन रे? लिखेंगे। मेन बटन नीचे बटा ऊपर चल जाएगा रे, जाएगा रे। माइनस के बोल रहा है, माइनस के बोल रहा है, माइनस होता रे ऊपर चल जेतन रे, ऊपर चल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक होगा? ओकरो दिक्कत साइन के पावर चार और साइन के पावर दो का लघुत्तम रे। साइन के पावर चार बतेलियन बड़का पावर लघुत्तम हुआ। एकर से भागा देलिए कोस के पावर के ना चाय। अरे एकर से भागा देबे दो पावर में करते रे। जे दो पावर बचते कहाँ चल जेते? ऊपर चल जेते कि ना? अरे हाँ या ना बोल। अरे ऊपर जेते रे, चलो ऊपर चलिए, ऊपर चल। ना समझ में आए ना? कहानी समझ में आया? पावर चार, पावर दो का लघुत्तम पावर चार, बड़का पावर। इससे भागा दिए एक, एक जाके गुना होगा। इससे भागा देंगे पावर दो है दो, तो दो एक ने कटेगा, तो दो जो बचा इसके साथ गुना होगा। क्लियर जी? पावर दो और पावर पावर दो और यहाँ पावर चार है। पावर दो यहाँ है ना कोस स्क्वायर, यहाँ पावर कितना है चार, तो पावर दो कॉमन आएगा कि नहीं? यहाँ कितना बचा? पावर दो, पावर दो। यहाँ कितना बचा? साइन स्क्वायर बचा। कितना बचा? साइन। ये चल गया साइन स्क्वायर। भागा कितना? साइन के पावर चार। अरे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता है? वन होता है। अच्छा ये साइन के पावर चार को हम लिख सकते हैं यहाँ से देखो तो क्या लिख सकते हैं? अरे वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि ना? वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दिए। अरे कहां से लिखे? से ना लिखेगा, कहां से लिखे? गिवन दिया हुआ था वहां से लिखे। क्लियर जी? वन माइनस साइन स्क्वायर का होता है कोस स्क्वायर, ऊपर भी कितना है? अरे कट के कितना आ गया रे? यही प्रूफ कर रहा। सुने जी, दूसरा नंबर भी इसी तरह बनेगा, दूसरा नंबर भी इसी तरह बनाओगे ठीक ठाक? चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए।